नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज पोर्टल। मैं आपके साथ नरेंद्र सिंह। आज हम ग्राम पंचायत करौली के जो गेहूं वितरण का काम करते हैं डीलर श्रीमान मीठालाल जी योगी, उनके पास आए हुए हैं और आज से गेहूं वितरण का काम इन्होंने शुरू किया है। अब इनसे हम जानेंगे कि इस कोरोना में गाइडलाइन के अनुसार इनके क्या क्या आदेश मिले हैं, किस तरीके से गेम वितरण करेंगे। तो नमस्कार डीलर साहब। तो ये जो आप अभी राशन वितरण कर रहे हो, कोरोना का मतलब किस हिसाब से कितने किलो गेहूं एक प्रति मेंबर मिल रहे हैं? अभी तो एक व्यक्ति के 5 किलो गेहूं मिल रहे हैं। कोरोना के आ तो गए हैं लेकिन आदेश नहीं है अभी तक डबल बांटने का, सिंगल ही बांट रहे हैं। और मतलब कोरोना के तहत जो सरकार की तरफ से डबल का आदेश था वो भी आ तो गए, छोटा आ गया, गेहूं आ गए लेकिन अभी आदेश वितरण आदेश नहीं। और गाइडलाइन के अनुसार कितने व्यक्ति यहाँ एक बार मौजूद रह सकते हैं अपने यहाँ पे? यहाँ एक एक आदमी 2 गज की दूरी में एक एक आदमी आओ, 25 आदमी आ सकते हैं दिन भर में। और एक एक 2-2 गज की दूरी में घोड़े बनाए हुए हैं, उनके मास्क लगा के, सैनिटाइजर लगा के एक एक आदमी एक ही हो सकते। जैसा कि डीलर साहब बता रहे हैं, यहाँ पूरा कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति गेहूं लेने आ रहा है उसको बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और 2 गज की दूरी का विशेष कर ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही जैसा कि ये बता रहे हैं, यहाँ पे जो आ रहे हैं उनको 1 बाय 1 एक एक करके अंदर आने दिया जा रहा है और बिना मास्क के बिल्कुल प्रवेश निषेध है। तो 25 व्यक्ति जैसा कि सरकार की तरफ से आदेश है एक बार में 2 गज की दूरी के साथ में यहाँ मौजूद रह सकते हैं। जो भी गेहूं लेने आ रहे हैं, हमारी उनसे भी यही विनती है कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें और जो यहाँ आए वो मास्क पहन के और 2 गज की दूरी का विशेष कर ध्यान रखें। और डीलर साहब, आप यहाँ जो गेहूं लेने आ रहे हैं उनको हमारे पोर्टल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? वो उनको यही संदेश देना चाहते हैं, शांति से वातावरण से कोरोना में लाइन की गाइड का पालन करते हुए आराम से 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको गेहूं दुकान पर आदमी व्यक्ति रहेगा और उपलब्ध है। जैसा सरकार निर्देश देगी वैसा बांटती जाएगी। तो जैसा डीलर साहब बता रहे हैं कि सरकार के निर्देशानुसार गेहूं का वितरण किया जा रहा है, 1 से 30 तक यहाँ परमानेंट ये मौजूद हैं गेहूं देने के लिए। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें, 1 बाय 1 एक एक करके आएं और मास्क और दूरी का विशेष कर ध्यान रखें और अपने क्षेत्र की लगातार खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए जी न्यूज पोर्टल पर। आप सभी का धन्यवाद।